हम आप लोग सब कैसे हैं। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कोफ्ते की रेसिपी। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रेसिपी मेरी मम्मा की है, मैंने उनसे सीखी है। आइए चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। कोफ्ते बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये हैं। हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन का कीमा, 2 चमचे हमने चने लिए हैं यहाँ पे जिसे हम पीस लेंगे, 2 मीडियम साइज़ प्याज यूज़ करेंगे, इसको भी हम ग्राइंड करके इसका पानी निकाल लेंगे, 1 एग वाइट, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें 2 से 3, सॉल्ट 2 टेस्ट, कोफ्ता मसाला पैकेट के 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे हम कोफ्ते बनाते हुए इसमें ऐड करेंगे, बाकी 2 टेबल स्पून ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब ये देखिए ये इंग्रेडिएंट्स हम कीमे में ऐड करेंगे कोफ्ते बनाने के लिए, सॉल्ट 2 टेस्ट, प्याज को ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लिया था ये 2 टेबल स्पून ऐड हो गई चिकन के अंदर, 1 एग वाइट, 2 टेबल स्पून कोफ्ता पैकेट मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, चनों का पाउडर बना लिया था वो 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनको मिक्स करके एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आप रख दिएगा तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। अब बनाते हैं कोफ्ते, हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करा है ऑयल से। देखिए कोफ्ते कितनी अच्छी शेप आई है कोफ्तों की, हाफ के जी कीमे में आपके 12 to 13 कोफ्ते बन जाएंगे। अब ये ग्रेवी के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की नीड है वो ये हैं, 4 मीडियम साइज़ प्याज, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 1 कप ऑयल, 1 कप दही, 2 टेबल स्पून कोफ्ता मसाला और ये 1 तेज़पात, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे। सॉल्ट 2 टेस्ट। इन सब चीज़ों की नीड होगी ग्रेवी के लिए। पैन के अंदर ऑयल हमने डाला है और यहाँ प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं लाइट गोल्डन होने के बाद। ये देखिए लाइट गोल्डन हो गई है, अब इसे प्याज को पीस लेंगे। ये प्याज का पेस्ट बन गया है, ऑयल के अंदर लहसुन अदरक ऐड किया है, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद आप इसके अंदर पेस्ट ऐड हो गया है प्याज का, तमाम मसाले ऐड हो जाएंगे। टू टेबल स्पून कोफ्ता मसाला और 1/2 ग्लास पानी डालने के बाद 10 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देंगे। टेन मिनट्स के बाद दही ऐड किए इसके अंदर, इसको अच्छे से लो फ्लेम पे इसको आप पकाएं। दही ऐड करने के बाद 10 मिनट्स के लिए अगेन इसको कवर किया है और 10 मिनट्स के बाद अब इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। आराम आराम से कोफ्तों को रखिएगा ग्रेवी के अंदर। ये देखिए कोफ्ते चलाने की ट्रिक है, कोफ्ते डालने के बाद आपने स्पून नहीं इसके अंदर चलाना है, इस तरीके से आप कोफ्तों को हिलाएं कि वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं।
और अगेन 15 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देंगे। ये देखिए ये हमारे कोफ्ते रेडी हैं, पकने के बाद आप स्पून चलाएं ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। देखिए ग्रेवी के लिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करा है, और उसके बाद 5 मिनट्स के लिए अगेन इसको आप थोड़ी देर के लिए पकाएं, और उसके बाद ये देखिए कोफ्ते डन हैं। बहुत मज़ेदार बने थे और बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करा है। ये कोफ्ते रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।